जाने कैसी कैसी धमकी देके जावे है। एक बार तेरे सामने धमकी दी ना, तू तो उसी वक्त जान से मार डाले उसे। तुझे जो करना है तू कर रहे, अब मैं पैसे भी नहीं दूंगा और अपने पेपर्स भी लेकर जाऊंगा। अरे योग्य बताएंगे, मैं बताऊंगा। जान से मारने की धमकी दी आपके छोरे ने बने। देखिए हमारे पास रिपोर्ट है कि आपके बड़े बेटे वीरेन ने इनके घर जाके इन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसलिए आप उन्हें जल्दी बुलाइए, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। अरे दीदे पाड़ पाड़ के देख रही हो, बुलाती क्यों नहीं अपने छोरे ने, बुलाओ। बड़ी बहू जा बुला ला वीरेन ने। माँ जी वो तो घर पर नहीं है। आहा, इब घर में थोड़ी ना होगा वो। देखिए अब आप लोग उसे जल्दी से बुला लीजिए, वरना मुझे कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर? एन अंडर विच लॉ एन एक्ट? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, किसी के घर जाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वही तो पूछ रही हूँ, अंडर विच लॉ, अंडर विच आईपीसी एक्ट, कौन सी धारा लगाकर आए हो यहाँ? मणिका जी आप रोक लो इस प्रधान की छोरी ने, ये तो बड़ा बड़ा खेल बिगाड़ देगी। इंस्पेक्टर साहब को कुछ ले दे के रफा दफा करो। नहीं काम नहीं, बस यही सोच बदलनी है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ सर्विस रूल्स, इट इज नेसेसरी टू वेयर नेम बैच। डिपार्टमेंट ने नेम बैच नहीं दिया? नाम क्या है आपका? श्यामलाल, सीनियर इंस्पेक्टर श्यामलाल। ओह, सीनियर हो और कायदे कानून नहीं जानते? आप कौन होती मुझे कायदे कानून सिखाने वाली? आप जल्द से जल्द उसे बुलाइए, वरना आप सबको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। एक मिनट, शो मी द एफआईआर। एफआईआर? आप अरेस्ट करने आए हैं ना, एफआईआर की कॉपी नहीं लाए? एफआईआर मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई तो चार्ज लगाया होगा, देखिए तो सही क्या जुर्म है और चार्ज क्या है। चलिए दिखाइए। और हाँ, साथ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का अरेस्ट वारंट भी। अरेस्ट वारंट? अरेस्ट करने आए हैं ना आप, अरेस्ट वारंट की कॉपी नहीं लाए? अगर नहीं लाए हो तो खबरदार, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला तो। अरे यो के बोलने लाग रही है भाई, समझाओ इसे यार।
इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस शख्स को जो मेरे घर में आपको लेकर आया है। मेरे घर वालों को डराने धमकाने के लिए। आप गवाह हैं और मेरे पास एविडेंस भी है। एविडेंस? जी हाँ, फुल रिकॉर्डिंग। लाली भैया, लाइए तो जरा। जी छोटे भाऊ। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, इस फोन में सब रिकॉर्डिंग। देखिए अब आप लोग से जल्दी बुलाइए, वरना मुझे कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, दिस इज ए कंप्लीट केस ऑफ डिफोमेशन। एक शख्स एक इंस्पेक्टर को लेकर आता है और वो भी रात में बिना किसी रिपोर्ट और अरेस्ट वारंट के। दस लोगों को आकर बताता है, हमारी तो इज्जत गई ना। इसीलिए मानहानि का दावा तो बनता ही है, और वो भी कम से कम 100 करोड़ का। 100 करोड़? ओके, मजाक करने लग रही है। जी हाँ, अब आप बच नहीं सकते। रिकॉर्डिंग तो है हमारे पास। दिस इज ए कंप्लीट केस ऑफ 100 करोड़, केस ऑफ डिफोमेशन। और आप आइंदा चंद रुपयों के लिए बिना किसी एफआईआर या अरेस्ट वारंट के किसी घर में मत जाइएगा। अब आप जा सकते हैं। आप खड़े क्यों हैं? आप भी जा सकते हैं। शाबाश भाऊ, हमें तुम पर गर्व है बेटी। भाऊ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपना धर्म निभाया। आप क्यों बढ़ावा दे रहे हो? उसने ऐसा कौन सा तीर मार लिया? अरे तीर ही तो मारा उसने, देखा नहीं इंस्पेक्टर की कैसी बोलती बंद कर दी उसने? बड़ा आया था हमारे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए। तुम्हें तो पता नहीं क्यों प्रधान की छोड़ी से चिड़ मचती रहती है। Thank you.
से मुंह सजा के क्यों खड़े? गुस्सा हो? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था। इतने सालों के प्यार में पहली बार तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। माफ कर दो, पता नहीं कैसे कैसे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बैठते चलो। गुस्सा तो आना ही था। क्यों? क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे बीवी के बारे में कितना भला बुरा कहा। तुमको गुस्सा आया तो तुमने हाथ उठा दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने मुझे इतना जो प्यार दिया, कैसे बुरा लगता? तुझे बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। तेरी बातें ना मुझे मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आती हैं। औरतों के मन को तो भगवान भी नहीं समझ पाए। खैर छोड़, डॉक्टर को मैंने पैसा दे दिया है, बट केस कॉम्प्लिकेटेड है। पता नहीं कुछ ऐसे इंग्लिश में बोल रही थी। अगर तुम जाके एक बार बात कर लेते तो। तुझे मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, तू क्यों बार बार पुराण खोल दिया? तू समझती क्यों नहीं है? किसका फोन है दिखाओ। किसी का फोन नहीं है, घर से फोन है, बात करता हूं मैं। सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि बीवी का फोन आया है? हाँ है, उसने आज तक फोन नहीं किया मुझे। पूछने तो दे किसने फोन किया उसने। था ये फोन। हाँ बोल, क्या हुआ, किसलिए फोन किया? घर पे पुलिस आई थी आपको अरेस्ट करने के लिए। क्या पुलिस आई थी? मुझे गिरफ्तार करने? पर क्यों? चंदेल ने आपके खिलाफ FIR की है कि आपने उसके घर जाके उसे जान से मारने की धमकी दी। इतनी हिम्मत हो गई उसकी? जो भी था, आपको इतने गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए था। खैर अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, नंदिनी ने सब सुलझा दिया है। आप जहां भी हैं जल्दी से घर आ जाइए। मत करने छोरी, बर्बाद कर दूंगा। ए सुमेर सिंह, तेरे खानदान ने जैसे मुझे दूंगा मैं।
पुलिस आई थी अरेस्ट करने? क्यों? उस चंदेल सिंह ने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी है। अब मैंने उसे धमकी दी हो या ना दी हो, तर अब मेरा मन हो रहा है कि मैं उसे मार ही दूं। कहां जा रहे हो? कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। अभी मैं घर जा रहा हूं, जाना जरूरी है, मुझे बुलाया है। मेरे पे दावा ठोकेगी तू? मेरे पे दावा? चौधरी चंदेल सिंह पे दावा ठोकेगी? 2200 करोड़ का दावा ठोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बर्बाद कर दूंगा मैं तन्ने छोरी, बर्बाद कर दूंगा। ए सुमेर सिंह, तेरे खानदान ने जैसे मुझा दूंगा मैं, मेरे पे दावा ठोकेगी? कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। ओके, लेकिन मैं क्या कुछ टू मच नहीं है? पर मेरी बीवी इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, कातिल लग रही है, आई मीन गॉर्जियस लग रही है, और मैं, मेरी किस्मत तो कुलगुरु के आगे पीछे घूम रही है। टू मच नहीं? और क्या, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मुझे कहीं बाहर जाना है। जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, बस मेरे दिल का हाल ही नहीं तुमने जाना। छोड़ो, जाने दो। एंड बाय द वे, मैं एकदम तैयार हूँ, बस ये बताओ कि जाना कहाँ? जाना है एक जगह, तुम जाकर तैयार तो हो जाओ। क्यों, अगर आप बता देंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ देव, हर बात टाइम पे ही अच्छी लगती है। यार ये हर बात तुम्हारी टाइम पर ही क्यों होती है? हाँ वो तो है। तो फिर पूछो। दीदी
आप मैटरनिटी हॉस्पिटल गई थी ना? टाइम से आगे या पीछे नहीं हो सकती? सॉरी, मजाक कर रहा था यार। खैर, ये तो बता सकती हूँ कितने बजे जाना है? बस अभी एक फोन का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आता है हम तुरंत निकलेंगे। हो मैन, तुम कितने भारी भारी वर्ड्स यूज करती हो यार, तुरंत। ऐसा लगता है किसी तत्काल ट्रेन का नाम तुरंत एक्सप्रेस। एनीवेज, मैं तुरंत अपना छोटा सा काम करके तुरंत लौटता हूँ। ओके ओके। बहुत सुंदर लग रही हो आज। क्या दीदी, बिना देखी? जब अंदर आ रही थी तो देख लिया था तुम दोनों को। मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं नहीं, रहने दो। वैसे भी तुम्हारे चेहरे का रंग आज कुछ और ही बोल रहा है। अरे शर्मा क्यों रही हो? आपके देवर है ना, उनमें सब्र ही नहीं होता। इस घर में सब्र है भी और नहीं भी। मैं आपकी बात समझी नहीं दीदी। अच्छा हुआ नहीं समझी तो। दीदी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। और वैसे भी कौन सा मैं मना कर दूंगी तो तुम रुक जाओगी? पूछनी तो तुम्हें फिर भी है, पूछो। हाँ वो तो है। तो फिर पूछो। दीदी आप मैटरनिटी हॉस्पिटल गई थी ना? देख, बहुत बकवास कर लिया तूने, अब चुप हो जा। नहीं तो? नहीं तो क्या, क्या कर लेंगे आप? क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, अभी तुझे बताता। निकल इस घर से बाहर। क्या कर रहे हैं आप? निकल यहां से, इस घर से बाहर निकल। मैं कहता हूं निकल यहां से, निकल।